क्या सोचे थे गाइस, कुछ भी यार पे आके अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा। आज तो यूनिवर्सिटी पे गाइस वाइब अलग ही लग रहा है। पूरा तो लुक एकदम हीरो वाला लुक दे के आए हो। कसम से क्या बोलते हैं, इसे बहुत भाल लगी से। बहुत भाल लगी जी है। नहीं माता जी आशीर्वाद देना कि इस बार का सेमेस्टर क्लियर हो जाए। क्या बोलना चाहोगे आज के इस खूबसूरत से अवसर पे? बहुत बढ़िया लग रहा है। सभी तो हीरो हो आप लोग, हम तो सिर्फ कैमरा से फुटेज करने में बिजी है। एक बार जस्ट देखो कैमरामैन को हमारा। चार दिखे शुद्ध भाव है लेकिन हमारा नजर सिर्फ दोस्त पे है। क्या दे आज वैलेंटाइन? ये क्या बोलो इन लोगों, इन रोड का सिर्फ एक बार हाल देखो आज, मतलब इतना। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस? देखो ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब? सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बाइकर 76। सो गाइस बहुत दिनों से कोई ब्लॉग भी नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत सारा क्या बोलूँ, खैर छोड़ो उसको। सो आज है आपका क्या डे कौशिक? आज है आपका ओ ब्लैक डे, सो कॉल्ड वैलेंटाइंस डे नहीं है, आज है सरस्वती पूजा और ब्लैक डे। सो आज थोड़ा इधर उधर घूम के आते, आप लोगों को भी दिखाते कि कहाँ कहाँ पे हम लोग जाते। क्यों कौशिक एक्साइटेड हो? बहुत अच्छा है क्योंकि हम सिंगल हो गए तो मतलब आज एकदम फ्रीडम है ना। सो गाइस आज का ब्लॉग अभी घर से शुरुआत हो रहा है और मेरा पार्टनर है आज चिरंजीत, इधर है कौशिक और बाकी और तीन दोस्त है आज, तो दिखाते हैं उन लोगों को भी जाके। सो मेरा को पार्टनर, अपना कुर्सी की पेटी बांध लो, मतलब अपना सीट बेल्ट लगा लो क्योंकि अभी रॉकेट स्टार्ट होने वाला है। वो रॉकेट नहीं, नहीं हम तो धीमे धीमे जाते हैं ना। क्या रॉकेट वगैरह बोलते हैं? नहीं अभी राइडिंग स्टार्ट होने वाला है भाई। तो अभी निकल पड़े कुछ बिहार के लिए। अभी ये देखो इसको, ओ माय गॉड, पूरा पंजाबी कुर्ता वगैरह पहन गया है। और एक बंदा तो है ही अपना पत्नी को लेके बिजी, इसलिए नहीं जा पाता। तू भी चल भाभी के साथ तो घूमेगा ही, वो एक हैबिट है। आज तो चल कम से कम हमारे साथ, मतलब चला गया, भाभी भाग गए, आप लोग घूमने निकले हो बेटा। हमारा एक दोस्त तो भाग ही गया वैलेंटाइन डे से पहले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लेकिन हम उसको ही ढूंढने जा रहे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे, घूमने नहीं ढूंढने जा रहे। क्यों ढूंढने निकले हम? गाइस ब्लॉग में थोड़ा गाने वाला स्वाद, अब आ गया मूड एकदम फ्रेश। ओह माय गॉड, मैं तो स्टीयरिंग संभाल रहा हूँ। मैं ज्यादा जोश में आने से गाइस गंदा सीन, इन लोगों का आज द एंड हो जाएगा। नहीं क्या बोला तूने? क्या सोचे थे गाइस, कुछ बिहार पे आके अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा है। यहाँ पे तो ट्रैफिक से स्वागत होता हुआ हमारा, मतलब मूड ही खराब कर दिया। सो अभी हम लोग लगभग यूनिवर्सिटी के सामने पहुंच चुके हैं गाइस, थोड़ा साउंड ऑफ कर। अभी देखते हैं कि आज कैसा वाइब है आपका पंचानन के यहाँ पे। पिछली बार भी आया था, तब तो यूनिवर्सिटी पे नहीं था मैं, लेकिन इस बार इस यूनिवर्सिटी का
फिलहाल के लिए स्टूडेंट भी हूँ, तो देखते हैं अभी जाके व्यू कैसा आता है। यहाँ पे देखो लड़की लोग सच दस के, ये तो हमारा क्लासमेट लोग ही है, मतलब साड़ी पहन के सभी का लुक पूरा चेंज हो गया है। हर समय बाइक लेके आता था, आज आए कार लेके, पता नहीं इसके बाद क्या लेके आऊं। सो आज तो यूनिवर्सिटी पे गाइस वाइब अलग ही लग रहा है, मतलब हर समय ऐसा वाइब क्यों नहीं रहता गाइस। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। अभी कार को थोड़ा पार्क करते हैं साइड में। सो आज हमारा यूनिवर्सिटी का वाइब देख लो, चारों तरफ सिर्फ वाव ही वाव, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना भी वाव नहीं लग रहा है, जितना टाइम बीतेगा उतना ज़्यादा वाव होगा आज। क्यों कौशिक? सो यहाँ पे बैडमिंटन मैच हुआ था हमारा, और सामने देखो यहाँ पे हमारा असम पार्टी लोगों को, मतलब क्या आशिक भाई पूरा तो लुक एकदम हीरो वाला लुक देख के आए हो, पूरा नीच से इधर से लेके यहाँ तक देख लो, मतलब एकदम ऐसे में से क्या बोलते हैं इसे, बहुत भाल लगी से, बहुत भाल लगी से नहीं दुनिया लगी से, बहुत भाल लगी से। भाभी कहाँ है? ओह गॉड, एक बार दिला दे। हाँ इतना सच दस के आए बंदा, लेकिन सिंगल क्या सुपीर भाई? हाँ अच्छा लग रहा है ऐसा सिंगल? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी देखा। मतलब हम तो गाइस सिंगल ऑन्डे, इसलिए एकदम कैजुअल लुक पे आए, जलवा है हमारा। लेकिन इसको देखो, ओ हमारे इब्राहिम भाई को देखो, और इब्राहिम भाई मतलब हमारा आसाम के दोस्त लोग, मतलब इतना सज दस के आए। सो यहाँ से भगवान जी का दर्शन ले लो गाइस, माता जी आशीर्वाद देना कि इस बार का सेमिस्टर क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। तो जाहिदुल भाई क्या बोलना चाहोगे हम सिंगल लोगों का सरस्वती पूजा के बारे में? बोलो। तो हमारे सिंगल तो अच्छे लाइफ, सिंगल लाइफ, सिंगल लोगों का लाइफ में अलग ही मजा होता है, क्योंकि इसको भी देखो, मतलब हर जगह पे अच्छा वाइब मिल जाता है हमें। क्यों हर जगह पे अच्छा वाइब है भाई? मतलब भाई भी भाई भाई, और अगर आप कमिटेड हो जाते तब थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड सा। वैसे भाई तो एकदम मैच्योर हो गया बंदा, इसलिए सब कुछ समझता है, चलो मजा करते हैं। सो यहाँ पे हमारा इब्राहिम भाई फोटो, कैमरामैन को देखो, ये रहा मतलब क्या आर्ट आर्टिस्ट। आज तो गाइस ब्लॉग करने का सोचे थे, लेकिन ब्लॉग करने का पूरा ओ क्या बोलना चाहोगे आज के इस खूबसूरत से अवसर पे, बहुत बढ़िया लग रहा है। हीरो तो इन लोगों को देखो, नहीं, नहीं, मतलब ध्रुव को देखो, ध्रुव इसे दिव ज्योति को देखो, हमें क्या, हमको क्या, सभी तो हीरो हो आप लोग, हम तो सिर्फ कैमरा से फुटेज करने में बिजी है कि किसको छोड़ के किसको दिखाए। सो आज वैसे आपका वैलेंटाइन डे नहीं है, मेरे लिए है ब्लैक डे और सरस्वती पूजा। क्यों क्या बोलना चाहोगे आज के इस डे के बारे में? बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, सब कुछ शुभ शुभ करो, यही चाहता हूँ। मेरे ख्याल से गाइस सिंगल लेके एंजॉय करो, यही काफी है। सो सामने देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट के सब परियों का फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे, मतलब चारों ओर सिर्फ वाव ही वाव लग रहा है अभी तो। आज एकदम मूड फ्रेश लग रहा है मुझे भी आके। सो वीडियो देख के कैसा लग रहा है आपको कमेंट में जरूर बताना, और भी दिखाते हैं अभी हेवी एंड चिल के साइड पे जाके। सो एक बार जस्ट देखो कैमरामैन को हमारा, मतलब ऐसा खूबसूरत पिक्चर खींचने के लिए ऐसा पोज देना एकदम मैंडेटरी ऐसा है। सो गाइस इधर पे ये रहा हमारा यूनिवर्सिटी का कैंटीन, अभी थोड़ा क्लास के सामने से घूम के आते, इन लोगों को भी एक बार घुमाते, मेरा क्लास कौन सा है जहाँ पे मैं एकदम मन लगा के पढ़ाई करता हूँ। और ये हमारा लाइब्रेरी, यहाँ पे तो हर रोज मेरा आना जाना रहता है, क्योंकि लाइब्रेरी पे थोड़ा बुक स्टडी करना होता है ना। खैर जोक से पार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खत्म। सो गाइस अभी मेरे पीछे है हमारा यूनिवर्सिटी का पॉपकॉर्न वाला दोस्त। सो क्या कहना चाहोगे इस खूबसूरत से, इस खूबसूरत माहौल में, और क्या कह सकते हैं? 14 फरवरी मींस नॉट वैलेंटाइन, नो नो नो, सरस्वती पूजा एंड ब्लैक पूजा एंड बसंती, बसंती पंचमी, और ब्लैक डे, ऐसा कुछ नहीं है कि
लड़की घुमाना है और कुछ करना है, क्योंकि हम चारिदी के शुद्ध भाव है, लेकिन हमारा नजर सिर्फ दोस्त पे है। दोस्त मेरा जान है। हम सिंगलों का है आज ब्लैक डे और सरस्वती पूजा, वैलेंटाइन डे। क्या डे आज? वैलेंटाइन। क्या बोलो इन लोगों, इन मतलब अभी नहीं बोलूंगा, बच्चा लोग हैं। हमारे साथ और एक बंदा आया था, लेकिन इसको क्या ही बोलूं, मतलब कार के अंदर ही भाभी के साथ वीडियो कॉल में इतना बिजी हो गया, क्या बोलेगा ऐसा बंदे को गुरुदेव? इसको अपने जुबान में तो ऐसा लैंग्वेज में बोला जाता है कि मैं अभी बोल नहीं सकता, बट हाँ मतलब अभी अभी दिखाते हैं बंदे को। मतलब आया है तो बंदा हमारे साथ ही घूमने, लेकिन अभी कार के अंदर ही छुपा हुआ है। ये रहा इसका रीजन, भाभी से बातें करने के लिए हम दोस्त लोगों को छोड़ के कार के अंदर घुसा है। मतलब क्या बोलो इन लोगों, कार से निकल, क्या कर रहे हो तुम कार में? नहीं नहीं नहीं, दिखाओ 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 किसके साथ बातें कर रहे हो। मतलब देखो ना पूरा ऊपर से नीचे कितना अच्छे से सच के आए, लेकिन फिर भी मैं नहीं निकलूंगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अब तो बोल छी कानो, हम लोग ही ठीक है गाइस, सिंगल है, अच्छे से घूमते, मतलब इतना प्रॉब्लम, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो गाइस अभी यूनिवर्सिटी का सफर आज का यहाँ पर खत्म होता हुआ, अभी जा रहे हम एवियन चिल के उस साइड पे। तो गाइस यूनिवर्सिटी का आसपास का थोड़ा नजारा देख लो, एक दिन बैठो ना जाने। चारों तरफ से देखो गाइस आज सीन, वाओ, सिर्फ सीन देखो सीन। स्टेट पर राइट साइड का सीन भी दिखाओ थोड़ा, ये मेडिकल कॉलेज है कुचबिहार का। सो गाइस यूनिवर्सिटी का रोड का सिर्फ एक बार हाल देखो आज, मतलब इतना, ओ माय गॉड यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, देखो ओ माय गॉड यहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब, ओ शिट क्या किया मैंने लाइफ में, यूनिवर्सिटी आता हूँ जाता हूँ, मतलब कितना कुछ करने का है, लेकिन मतलब मेरे से कुछ नहीं होगा, इन लोगों को देखो। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आपका कुचबिहार कॉलेज पे, सो अभी अंदर जाके दिखाते कुचबिहार कॉलेज का सीन। सो ये रहा गाइस आपका कुचबिहार कॉलेज, यहाँ पे भी अच्छा खासा ही भीड़ है। क्यों चिरंजीत, तेरा ओल्ड कॉलेज पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पुराना फीलिंग्स, बंदा क्या कुछ करता था यहाँ पे, उसका क्रश भी था, अच्छे अच्छे सर थे, क्रश भी था तेरा, क्रश मेरा क्रश भी था एक। सभी चलो अंदर जाते, माता जी का दर्शन लेके आते। तो पियोदा कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा, एकदम माइंड फ्रेश लग रहा है ना एकदम, क्योंकि और ऊपर से ब्लॉग करने में तो मतलब ब्लॉग जब करता हूँ ना तब एकदम माइंड और भी ज़्यादा फ्रेश लगता है, और बाद में जब ये सब पुराना दिनों को देखता हूँ तब एकदम मतलब बोल के नहीं समझा पाऊँगा आप लोग। सो हमारा नारूबाई का ओल्ड कॉलेज, बंदा एकदम नॉस्टैल्जिक हो गया, अभी रो देगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे, ज़्यादा बोल देने से। दिखाओ एक बार चेहरा, दिखाओ अपना, किधर था तेरा क्लासरूम? मेरा क्लासरूम इधर था। कौन सा फ्लोर पे? सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर लाइब्रेरी के ऊपर वाले सेक्शन पे? हाँ ये वाले। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इधर है आपका कुचबिहार कॉलेज का इंग्लिश डिपार्टमेंट? इंग्लिश, ये रहा आपका कुचबिहार कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आपका मेरा पुरान कॉलेज एवियन चिल पे, असली भीड़ तो एवियन चिल पे जाके ही मिलता है गाइस हर बार, अभी जाके देखते हैं कि क्या सीन है। सो गाइस पिछले 2018 से लेकर आज है 2024, लगातार 6 साल में कुचबिहार पे आता हूँ, तो अपने पुरान कॉलेज बोल लो एवियन शील यहाँ पे हर बार आता हूँ। सो इस बार भी सेम ही चीज़ किया, इस बार भी आया हूँ मैं
अपने सारे दोस्तों को लेके अभी जाते हैं एवेंज हिल के अंदर। सामने का सीन जस्ट देखो गाइस एक बार, मतलब इतना भीड़। वैसे हर बार ही सेम ही रहता है। हमारा सभी का प्यारा एवेंज हिल, यहाँ पर हर समय आके बाइक को पार्क करता था मैं। बहुत सारे यादें जुड़ा है इस कॉलेज से, और पहले पहले मैं बाइक को इस साइड पे पार्क करता था। चल इधर चल, फुल सरस्वती पूजा का वाइब तो गाइस हमारे एवेंज हिल पे ही रहता है हर समय, इस बार भी सेम ही है। तो पीछे जैसे एक बार देखो, अभी दिखाते हैं पीछे वाले कैमरे से। अच्छा खासा ये डेकोरेट किया है इस बार भी। बहुत ही खूबसूरत बनाया इस बार। सो गाइस इसी रास्ते से रोज हम लोग सुबह सुबह जाते थे पहले क्लास करने के लिए, और पहले तो ये सब जगह बहुत ही वेल मेंटेन था, लेकिन अभी इतना झोप झाड़ों से मतलब क्या ही बन गया है गाइस। मतलब एकदम क्लीन था हमारे टाइम पे, लेकिन अभी तो एकदम। यहाँ पे था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, मतलब रूम को देख के तो समझ में नहीं आया कि ये कॉलेज का रूम वगैरह है क्या, लेकिन वहाँ पे था हमारा फर्स्ट ईयर वाला रूम, यहाँ पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर भी सेम ही जगह पे ही क्लास होता था। एवेंज हिल का जस्ट सीन देखो एक बार, चारों ओर सिर्फ वाव ही वाव, मतलब पूरा खचा खच बड़ा है एकदम। सो ये रहा हमारा एवेंज हिल का हॉस्टल। सभी हॉस्टल के पूजा को थोड़ा देखते, सो गाइस आज का हमारा सरस्वती पूजा घूमने का सफर एवेंज हिल पे आके खत्म होता है, क्योंकि अभी ऊपर से पानी भी टपक रहा है क्योंकि बारिश आने वाला है एकदम बहुत जोर से। सो आज का वीडियो देख के आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो किया करना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और कैसा लगा आज का वीडियो भाई? बहुत अच्छा है, देखना मजा आएगा भाई। क्या बोलोगे प्योरा, कैसा गया आज का सफर? बहुत बढ़िया गया आज। सो वीडियो देख के कैसा लगा गाइस कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, ओ नहीं राइड हार्ड नहीं, आज होगा ड्राइव हार्ड ड्राइव सेफ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम एवेंज हिल कॉलेज, बाय बाय गाइस, सायोनारा। मेरी गाने तेरे बारे बनते ही जाते, लुका के मैं रखा तैनू कितने प्यार में, कोई नजर ना लाते, दुनिया बड़ी खूबसूरत।